नमस्कार, मैं हूं अग्रमा जादौन और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित पास कॉलोनी आवास विकास प्रथम में शनिवार देर शाम एक युवक ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया। युवक ने बांके से अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, युवक ने धारदार बांके से अपनी माँ और दो भतीजों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया है। इसकी खबर मिलते ही एसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। घायल बच्चों और महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक बच्चे और मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वारदात से आवास विकास ही नहीं, शहर में सनसनी फैल गई है। आरोपित युवक ने भाई की ओर से कोतवाली में तहरीर की गई है। जानकारी के मुताबिक आवास विकास प्रथम में मकान नंबर 517 में स्वर्गीय राममूर्ति यादव का परिवार रहता है। इनके बड़े पुत्र भानु प्रताप यादव और छोटे पुत्र पंकज यादव हैं। बड़े भाई भानु प्रताप की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक शाम 6:30 बजे छोटे भाई पंकज, जो मानसिक रोगी है, वह बांके से उसकी पत्नी रेनू यादव को मारने लगा। उसे बचाने दौड़ी माँ राजवंती देवी और दो बेटों आयुष 10 वर्ष और अनुभव 4 वर्ष पर भी बांके ने वार किए। इस दौरान पत्नी रेनू की मौत हो गई, जबकि घायल राजवंती और दोनों बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। राजवंती के सिर पर गंभीर चोट आई है और आयुष के दाएं हाथ व अनुभव के मुंह पर चोट लगी है। बचाने आए पड़ोसी राजनाथ शुक्ला भी घायल हो गए हैं। एसपी आर नैयर ने बताया कि घटनास्थल का परीक्षण किया गया है और फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है। इस वारदात से आवास विकास कॉलोनी समेत शहर में सनसनी फैल गई है। गोंडा से ब्यूरो चीफ राजकरण अकेला की रिपोर्ट। सर, शहर कोतवाली क्षेत्र का आवास विकास मोहल्ला है, वहाँ पे हत्या की वारदात हुई है, क्या है सर पूरा मामला? नगर कोतवाली के जनपद गोंडा के थाना नगर कोतवाली में आवास विकास कॉलोनी में आज एक पंकज यादव द्वारा उनकी सगी माँ की भाभी और दो भतीजों पर एक धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें उनकी माँ और दो बच्चे घायल हैं और उनकी भाभी की मृत्यु हो गई है। तुरंत घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस अधिकारी और फील्ड यूनिट मौके पर जाकर के जो भी वहाँ पे हमको एविडेंस मिले हैं उन सबको हमने कलेक्ट किया है। इसके अलावा अभियुक्त की तलाश करने के लिए हमारी 4 टीमें बना दी गई हैं, जो अलग अलग जगहों पर अभियुक्त की तलाशी कर रहे हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें रासुका की कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या पड़ोसी भी घायल हुए, उनको भी चोट लगी जी? जो जानकारी में आ रहा है कि जब इनके घर में यह घटना हो रही थी उस समय जो शोर हुआ उससे पड़ोसी जानकारी करने के लिए गए तो पंकज यादव द्वारा पड़ोसी पे हमला करके फिर वहां से मौके से फरार हो गया। कुल कितने लोग इसमें घायल हैं और कितने? 3 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति, एक उनकी भाभी की मृत्यु हो गई है।